कनाडा की दारुल हुकूमत बेंगलुरु ज़िले के आनाकल तालुका के अति बेलो के करीब एक पटाखों के गोदाम में आग लग जाने की वजह से 12 लोग हलाक हुए हैं। नवीन नामी शख्स की मिल्कियत में आने वाले इस गोदाम में आज तमिलनाडु से पटाखों का जखीरा ट्रक के जरिए आया हुआ था। इस दौरान अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 12 लोगों की हलाकत हुई है, मजीद हलाकतों के इम्कान हैं क्योंकि गोदाम में 30 ता 40 अफराद काम कर रहे थे। इनमें से बेशतर लोग गोदाम के पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की खबर सामने आई है। इस हादसे में एक ट्रक, एक गुड्स गाड़ी, 4 मोटरबाइक भी जलकर राख हुए हैं। आग की वजह से दूर दूर तक धुआं फैल चुका है। तकरीबन 5 करोड़ रुपयों से ज़ायद रुपयों का नुकसान होने की बात भी सामने आई है। गोदाम का मालिक नवीन भी इस हादसे में जख्मी हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं तो दूसरी जानब सड़क पर मौजूद ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी मुसलसल कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।